हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आपको और हमें भी शायद ये लगता होगा कि एक बार अगर कोई पॉपुलर हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है। ये तो सच है कि जिंदगी बदल जाती है, लेकिन बदलती किस तरह है, सकारात्मक या नकारात्मक, ये अहम बात है। ऐसा ही कुछ हुआ जो पॉपुलर होने के बाद भी आज फिल्मी दुनिया से कोसों दूर हैं। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री रूपा गांगुली, जिन्होंने बीआर चोपड़ा का महाभारत सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाया था और लोगों के दिलों में खास जगह बनाई थी। इस रोल ने उन्हें बहुत लोकप्रियता दिलाई, पर साथ ही उनका अभिनय करियर खत्म कर दिया। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि द्रौपदी के रोल के बाद रूपा गांगुली डिप्रेशन में आ गई थी और उनका एक बड़ी अभिनेत्री का सपना चकनाचूर हो गया था। रूपा गांगुली ने द्रौपदी के रोल से पहले कई बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया था, पर उन्हें खास सफलता नहीं मिली। रूपा ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने बहुत से रोल किए हैं, पर लोग मुझे द्रौपदी के रोल से ही जानते हैं। उससे पहले भी मैंने यादगार रोल किया है बंगाली फिल्मों में, पर तब मुझे इतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने द्रौपदी का रोल किया, क्योंकि इस रोल के बाद मुझे अनेक अज्ञात कॉल आने लगे और मुझे पैसों का लालच दे अपने घर बुलाते थे। कुछ लोगों ने तो हद ही पार कर दी, मुझे उन नाइट स्टैंड के लिए भी बुलाने लगे। रूपा ने कहा कि मैं ऐसे कॉल से तंग आ चुकी थी और कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम के कारण मैंने फिल्मों की दुनिया से कदम पीछे हटा लिए। अपन घर सबको प्यारा होता है, पर उसी घर में जब कोई अपना नहीं रहता है तो वो घर छोड़ देना ही सही होता है। ऐसा ही हुआ, रूपा के साथ पति से अनबन रहती थी और वो उसे छोड़ना चाहती थी। इन सब में उनकी मदद की उनके एक दोस्त ने, और उसके सहारे से आज रूपा अपनी जिंदगी में दुनिया से कदम मिलाकर चल रही हैं। रूपा गांगुली अब फिल्मी दुनिया से दूर हो अब राजनीति में अपनी किस्मत अजमा रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। भाजपा के साथ से वो देश की राजनीति में अपना अहम नाम बनाना चाहती है और इसीलिए उन्होंने प्रयास भी शुरू कर दिए हैं।